नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 12 में अब बहुत ज्यादा मजा आने लग गया है। काफी चीजें अब दोस्तों आपको भी और हमको भी साफ साफ दिखाई देने लग गई हैं। कहीं हैप्पी क्लब की बात हो रही है, कहीं पे दूसरे क्लब की बात हो रही है। तो आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं ढेरों सारे, और उसमें से कुछ कमेंट जो हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, उसी वीडियो की बारी है आज। तो कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। शुरुआत में मैं कमेंट पढ़ूंगी संगीता पाटिल जी का। तो ये श्री की फैन है और ये लिखती हैं कि श्री नंबर वन था, है, नंबर वन रहेगा। वी लव यू श्री, आप बीबी 12 के विनर होंगे। तो संगीता पाटिल जी का जो प्यार है वो फिल्मी डायलॉग की तरह सामने आया है कि भारत अमर है, अमर था, अमर रहेगा। इसी तरह उन्होंने श्री के बारे में बात की है, तो काफी फैन फॉलोइंग श्री की बढ़ती जा रही है। और ये खाली श्री के लिए नहीं है दोस्तों, कि विनर की बात जो हो रही है कि बिग बॉस विनर रहेंगे, इसके लिए बाकी कलाकारों की भी बात हो रही है, बाकी कंटेस्टेंट्स की भी बात हो रही है कि ये विनर होगा। हर जो फैन है, जिसका भी फैन है, वो अपने जो उसका कंटेस्टेंट है उनको विनर के रूप में घोषित करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये संगीता पाटिल जी का कमेंट है, प्यार है श्री शांत के लिए, जो मैंने अभी पढ़ा है। तो उसके बाद मैं कमेंट पढ़ती हूँ नवनीत झा। ये थोड़ा सा कमेंट मैंने इसलिए शामिल किया है, आप लोग सोचोगे कि आप ऐसा कमेंट कैसे पढ़ रहे हो। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ दोस्तों क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट शामिल होने चाहिए। अगर आपकी कोई प्रेज कर रहा है वो तो होना ही चाहिए, और अगर कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका भी कमेंट शामिल होना चाहिए। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं इसका आपको जवाब दूंगी। तो ये लिखते हैं कि सबसे अधिक यही चैनल रोमिल से जलता है, आम आदमी होकर यहाँ तक पहुंचा है, यही सबसे बड़ी जीत है। श्री शांत केवी जैसे लोगों को कैप्टन बना दिया, रोमिल बेस्ट। तो अगर मैं नवनीत जी का कमेंट अगर मैं अदरवाइज लेती तो मैं गुस्सा कर जाती, ऐसा क्यों लिखा। हम तो करते नहीं, किसी की भी साइड नहीं लेते हैं, जो दिखता है, जो समझते हैं, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उनके बेसिस पे हमारे एपिसोड्स और हमारे वीडियोस बनते हैं। मगर नहीं, क्योंकि नवनीत जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं रोमिल को, इसीलिए उन्होंने वही वीडियोज देखे जिसमें रोमिल के बारे में बात होती होगी या नहीं होती होगी, या बाकी चैनल में वही वीडियो देखे होंगे। अगर नवनीत जी आप हमारे पूरे वीडियोज देखें, हमारे चैनल के वीडियोस देखें, बिग बॉस 12 के वीडियोस देखें, तो आप ये कमेंट नहीं करते। एक वीडियो देख के पूरे चैनल को आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो आपको थोड़ी सी ये हमारी तरफ थोड़ी सी ये दया की भावना दिखानी पड़ेगी, हम पार्शियल नहीं है। डे वन से हमारे ऑडियंस हमें जानते हैं, अगर कोई नया जुड़ता है तो शायद उनको ये चीजें समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो नवनीत जी का कमेंट मैंने इसलिए शामिल किया। इसके बाद दोस्तों मैं कमेंट पढ़ती हूँ मनीषा धीमान। तो मनीषा धीमान श्री, हाँ, इनका भी कमेंट श्री से है। श्री 12 को मनाए या 6 को, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ओके। तो ये कमेंट उन्होंने मनीषा जी ने किया है, जो श्री का बर्थडे मनाया गया था घर के अंदर, और उसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स थे, वीडियोस थे कि श्री का बर्थडे जो है गलत मनाया गया, श्री ने गलत डेट बताई है। तो उसी के ऊपर कमेंट है कि श्री 12 को मनाए या 6 को, इससे क्या फर्क पड़ता है। श्री वी लव यू, हाँ होता है, मेरे भी हाँ मेरे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हद है लोगों की, श्री के पीछे ही पड़ गए हैं, हर तरफ से टारगेट कर रहे हैं, बहुत प्यार करती लगता है मनीषा श्री को, तभी श्री को गुस्सा आता है। दीपक भी कम नहीं है, बहुत कुछ बोल जाता है, फिर बाद में ड्रामा क्रिएट करता है, श्री जो है वो दिख रहा है, कोई फेक है, कोई फेक नहीं है, सब रियल है। तो मनीषा जी श्री की डाई हार्ट फैन है, वो तो हम कमेंट से समझ ही गए, मगर ये कमेंट मैंने इस वीडियो में क्यों शामिल किया, वो इसलिए क्योंकि ये जो इन्होंने लिखा है ना मनीषा जी ने कि 12 को हो या जन्मदिन 6 को हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी रेफरेंस में हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बताया है कि हमारे भी जो बर्थ डेट है वो सर्टिफिकेट पे कोई और है, और हमें जो ओरिजिनल बर्थ डेट है वो कोई और है। तो होता था पहले चीजें ऐसी होती थी कि बर्थ डेट कुछ और लिखवाते थे ताकि आगे बढ़ सके, ऐसी चीजें पहले होती थी, बहुत पहले ये चीज बड़ी कॉमन थी। तो उसी चीज का शायद शिकार है श्री शांत भी, तो उनका ओरिजिनल बर्थडे 12 को होगा और जो पेपरों में है वो 6 को होगा।
तो ऐसा हो सकता है इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको लोगों ने उठाया। तो ये जो उनके कमेंट्स, जो उनके फैंस हैं, उन्होंने ये इस बात को लेकर काफी सारे कमेंट्स हमें भेजे हैं, इसलिए मैंने ये कमेंट इस वीडियो में शामिल किया ताकि इस बात को, जो आप लोगों की बात है, आपके श्री के फैंस की बात है, वो बाकी लोगों तक पहुंच पाए। तो इसके बाद मैं कमेंट पढ़ती हूँ दोस्तों। राजवीर सिंह, इनका भी कमेंट मैंने, ये नेगेटिव कमेंट है थोड़ा सा, बट मैंने इनको जवाब देने के लिए कमेंट शामिल किया है ताकि इनके थ्रू और भी लोग जो ऐसा सोचते हैं उन तक भी ये बात हमारी पहुंच सके। तो राजवीर लिखते हैं, फेक न्यूज ऑल जो कि हंग्री स्पिरिट्स देता है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी राजवीर जी, ये आपको हमारे वीडियोज देखने पड़ेंगे ताकि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट इतनी आसानी से ना दे सके। और अगर हो सके तो हमारे व्यूअर्स से भी चैट करके देखिए कि कब से वो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और कितना फेक उनको लग रहा है। हमारा चैनल बिल्कुल भी फेक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे लिखते हैं, जो भी आपने अभी तक न्यूज दी है वो फेक है। और हाँ, आपने न्यूज दी थी कि कैप्टनसी टास्क के दावेदार रोमिल, मेगा, दीपक, सुरभि हैं, बट दीपक नहीं है तो केवी है। तो ये इनका कमेंट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ राजवीर जी कि आपने सिर्फ यही वीडियो देखी है जिसके बारे में आपने एंड में लिखा है कि उसमें केवी है, दीपक नहीं है। अब ये जो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हम लोग न्यूज देते हैं आपको, जो हम बात करते हैं, वो हमारे कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम आगे आप लोगों के तरफ देते हैं, आपको बताते हैं वीडियो के जरिए कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, जिसमें कभी कभी रिसोर्सेज से गलती भी होती है और कभी कभी कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं, विच इज वेरी फेयर एंड एनफ, क्योंकि उसका किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसी दिन रात को वो वीडियो आ जाना होता है, आप लोगों के सामने हो जाना होता है। बट अगर आप एक वीडियो को देख के आप ये बोल रहे हो कि आप पूरा का पूरा वीडियो ही फेक है, तो ये आप हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं राजवीर जी। आपको हमारे पूरे वीडियोज देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है अब तक बिग बॉस 12 में जितने भी हमने वीडियोज बनाए हैं, सिर्फ उसमें ये एक वीडियो होगा, एक और होगा, मुझे याद नहीं है, बट ये सिर्फ एक वीडियो होगा जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है, जो अभी चल रहा है इस हफ्ते में, उसी में सिर्फ नाम की गड़बड़ हुई है, बाकी कहीं भी नहीं है। बाकी कैप्टन हो, दंगली दंगल हो, अखाड़ा हो, जिसपे भी हमने वीडियोस बनाए हैं, वो शाम को आपके सामने विद प्रूफ होता है कि ये जो वीडियो था सही था, हंग्री स्पिरिट्स का, उन्होंने हमें सही इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये चीज आपको तभी बोलनी चाहिए राजवीर जी जब आप हमारे वीडियोस देखें, जब हमारे चैनल से एक्चुअली कनेक्ट हो जाए। जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको ये चैनल दूसरे का नहीं लगेगा, आपको ये चैनल अपना लगेगा। जब अपना लगेगा तो आपकी जो वे ऑफ सेइंग है वो बहुत सुधर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए कमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जो है उस स्टेज से निकल रही होती है कि उनको उसमें गाली ही सूझती है, उनको इसमें ऐसे गड़बड़ गड़बड़ शब्द ही सूझते हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल में, जिसमें किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होता, जो दिखता है वही हम बनाते हैं, वही हम आपको दिखाते हैं। आपके कमेंट्स का, आपकी राय का हम बहुत वैल्यू करते हैं, इसीलिए मैं ऐसे कमेंट्स भी इसमें शामिल करती हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि बोले कि हमने ऐसा कमेंट दिया इसीलिए शामिल किया, क्योंकि हमने इनके चैनल की बुराई की। भैया बुराई करोगे तभी तो हमें समझ में आएगी कि हमारे व्यूअर्स चाहते क्या है, मगर तरीके से कीजिए और पूरी चीजों को देख कर कीजिए, ऐसा नहीं कि आप ही फेक लगने शुरू हो जाए राजवीर जी। तो प्लीज टेक केयर। तो इसके बाद मैं कमेंट पढ़ूंगी दोस्तों। प्रियांशु विद्याल ये लिखते हैं, दीपिका यू आर द बेस्ट, आप सही खेल रही हो एंड यू आर रियल। आप अगर दिख नहीं रही हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेल नहीं रही हो। बहुत प्यार करते हैं प्रियांशु दीपिका से। यू आर प्लेइंग वेरी वेल एंड साइलेंटली एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ ए गुड प्लेयर। एंड हुएवर इज सेइंग दैट यू आर फेक, दे आर रॉन्ग। हैप्पी दिवाली दीपी। एंड मैंने दीपी लिखा दीपिका को, बहुत ही प्यारा सा कमेंट है। तो आपकी जो दिवाली विश है होपफुली दीपिका तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि बोलते ना अगर कोई चीज दिल से निकलती है तो दूसरे हार्ट तक वो चीज जरूर पहुंचती है। तो प्रियांशु जी आपने इतना अच्छा प्यार भरा कमेंट दिया दीपिका को, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए जो दिल से प्यार करे, तो दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट योर कमेंट। उसके बाद कमेंट है दोस्तों, एनर्जेटिक वीडियो टीवी, ये आईडी होगा उनका, उन्होंने लिखा है कि चारों कहीं ना कहीं से मजबूती प्रदान करते हैं, ये हैप्पी क्लब की बात कर रहे हैं। एक भी इससे निकला सो मैं जान नहीं बचेगा, अच्छा शो में जान नहीं बचेगा, एक भी इससे निकला तो शो में जान नहीं बचेगा, इसकी टीआरपी बहुत अधिक घट जाएगी, इसके बदले अभी जसलीन को जाना चाहिए। तो ये जो हैप्पी क्लब हो गया है नॉमिनेट, उसके ऊपर कमेंट है। तो इनका
कहने का मतलब है कि अगर हैप्पी क्लब में से एक भी चला गया तो शो में जो है जान नहीं बचेगी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एनर्जेटिक वीडियो। तो क्योंकि अभी तक हैप्पी क्लब काफी हावी रहा है सब कंटेस्टेंट के ऊपर, चाहे वो बोल के रहे, चाहे वो बदतमीजी करके रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से रहे, बट वो हावी रहा है सबको, वो दबा के रखते हैं। इसी बात की मिसाल जो है वो आपने इस वाले हफ्ते में देखी, जब दीपिका ने जब मटका फोड़ना था सुरभि का, तो उसने ये बात बड़ी क्लियरली बोली और वो काफी सारे फैंस को और काफी सारे लोगों को सही भी लगी कि जब आप लोग कुछ बोलते हो तो बहुत बवाल होता है कि हमने कुछ कर दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हमने कुछ नहीं किया। जब हम एक भी पॉइंट करें तो आप हमारी क्लास ले लेते हो। तो ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये भी एक तरह की साइकोलॉजिकल रीडिंग है कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी कॉमनर्स ये समझ लेते हैं, आम आदमी ये समझ लेते हैं कि दूसरा बंदा सेलिब्रिटी है, वो समझे ना समझे ये लोग समझ लेते। तो उसी जो होता है ना उसमें रिएक्शन फॉर्मेशन में से ये चीजें निकलती हैं। और कहीं ना कहीं ये हैप्पी क्लब है बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी टीवी स्क्रीन पे, मगर मुझे जो लगा हैप्पी क्लब को लेके कि जो उनका नॉमिनेशन हुआ उनको उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए था, उनको बड़े दिल से लेना चाहिए था, आ जाओ कर लो हमें नॉमिनेट, हमारे फैंस बचाएंगे हमें, ना कि ऐसे कि अरे धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं खुद हैप्पी क्लब को की तारीफ करती, मगर जिस तरह से उन्होंने वो गंद मचाया ना वो मुझे नहीं अच्छा लगा। किसी रिसर्च के ऊपर चढ़ गए, भाई गेम खेल रहे हो, सब लोग ऐसे गेम खेलते हैं, एक दिन में सुरभि राणा का दिमाग बदल जाता है रातों रात, सिरिसन के लिए पॉजिटिव हो जाती है, वो कैसे हो जाता है? वो सुरभि राणा जो शुरू से सिरिसन के खिलाफ है एक दिन में पॉजिटिव हो जाती है। कहीं ना कहीं ये चीजें आप अगर बुरा माने या अच्छा माने, मैं ये चीजें जरूर बोलूंगी, कहीं ना कहीं सिम्बोलिक होती है, दिखाती है कि हैप्पी क्लब को भी सिरिसन की कितनी जरूरत है। तो ये जो मैं कमेंट, इसलिए मैं ये कमेंट शामिल किया कि लोगों का जो हार्ट है वो इतना प्योर होता है ना कि वो बड़ी जल्दी बात को मान लेते हैं, उस बात के पीछे क्या है वो कभी कभी समझने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगला कमेंट है दोस्तों बाबर शेख का, ये लिखते हैं हैप्पी क्लब ही जीतेगा क्योंकि वुल्फ पैक वाले सेल्फिश हैं, आज वो दूसरों की बर्बादी पर मजा कर रहे हैं कि श्री ने बेस्ट किया, कल खुद उनके ऊपर पड़ेगी क्योंकि ये सेलेब हैं, ये किसी के नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही खेलते हैं, सच्चाई दोस्ती ये निभा नहीं सकते। तो दोस्तों अभी इसी तरह का कमेंट मैंने पहले भी पढ़ा था, ये कमेंट उसमें एक और एड ऑन है कि हैप्पी क्लब जीते या अपना वुल्फ पैक जीते, जीतना किसी एक को ही है। कल को अगर हैप्पी क्लब के दो सदस्य आ जाते हैं फाइनलिस्ट में, या तीन आ जाते हैं, या चारों के चारों फाइनलिस्ट आ जाते हैं, तो क्या ये आपस में दोस्ती निभाएंगे? मुझे नहीं लगता। क्या बिग बॉस की ट्रॉफी रोमिल को मिलेगी और रोमिल सुरभि को पास ऑन कर देगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों। आपको लगता हो तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को, मगर ये जो आप चीजें बोलते हो, एक बायस होकर जो बात करते हो, वो सिंपल और कोई इशारा करती है, क्योंकि ये जो हैप्पी क्लब के मेंबर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि नॉमिनेट हो गए हैं, नॉमिनेट होने के बाद अगर वो लॉयल हार्ट चीज को लेते ना, कोई बात नहीं यार, हम नॉमिनेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किया अपने गेम के लिए और क्लैप करते कि वेल डन, अच्छी गेम के लिए भैया, हमारे साथ दोस्ती की, फिर हमें धोखा दिया। वहां पे कोई भी दोस्ती निभाने नहीं गया है दोस्तों, अगर वो दोस्ती निभाता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही होगा, एंड में कोई भी दोस्त नहीं रहेगा, विनर सिर्फ एक होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से यही इल्तजा है कि अगर एक बंदा कोई भी हो जाए, हैप्पी क्लब हो, वुल्फ पैक हो, कोई भी हो, अगर कोई अच्छी गेम खेल रहा है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करो, अपने फैन के लिए, अपने बंदे के लिए और अपने लोगों के लिए उनको ये वोट जरूर करो, मगर एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ, ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी शो को देखने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपका बिग बॉस 12 है, हम आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपके कमेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। इसके बाद मैं कमेंट पढ़ती हूँ राइजिंग स्टार का, तो ये लिखते हैं आपके कहने से कुछ नहीं होगा, दीपक इज नंबर वन। तो ये एक वीडियो था हमारा जिसमें दीपक के बारे में बात थी, तो उनका कहना है कि हम जो बोलते हैं उससे कुछ नहीं होना, ये बिल्कुल मुझे सही कमेंट लगा कि कोई भी कुछ बोले, अगर मैं दीपक का फैन हूं तो दीपक जीतेगा। किसी को भी उन्होंने बुरा नहीं बोला, किसी को भी उन्होंने बदतमीजी नहीं की, और राइजिंग स्टार ने उसी जो उनके दिल में था वही बात उन्होंने बोल दी कि कोई भी कुछ कहे मेरा दीपक जीतेगा, यही फीलिंग होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद है नितिन परब, ये लिखते हैं वाई श्री नॉमिनेटेड हैप्पी क्लब, बिकॉज श्री को एक हिंट मिली थी घर से आए गिफ्ट में, जो उसके डॉटर ने बनाया ड्रॉइंग में वॉल्फ पैक का कार्टून। तो ये काफी लोगों की बात है नितिन जी, जो आपने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया और वीडियोस भी काफी सारे आए कि श्री को हिंट मिला उसके बाद ही उन्होंने हैप्पी क्लब को नॉमिनेट कर दिया।
हो सकता है ये, मैं इसमें कोई मतलब मैं मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि उसके बाद ही हैप्पी क्लब हो गया नॉमिनेट एकदम से। पहले श्रीशांत जो थे, पहले वुल्फ पैक के साथ थे, वुल्फ पैक के बाद वो इधर हो गए जैसे अपना हैप्पी क्लब की तरफ। एक मैंने आपको याद होगा वीडियो मैंने डाला था कि एक महीना श्रीशांत ऐसा करें गेम प्लान के बारे में, और मेरे जो मैंने जो डाला था बिल्कुल उसी हिसाब से वो गेम चल रही है। आई डोंट नो कैसे सिंक मैच हो गया है, बट वैसे ही चल रही है। अब हैप्पी क्लब के अगेंस्ट हो गए श्रीशांत, जबकि अगेंस्ट वो ऐसे नहीं, उन्होंने नॉमिनेट ही सिर्फ किया और 7 लोगों को नॉमिनेट किया, मगर क्योंकि उसमें हैप्पी क्लब के सदस्य थे बहुत ज्यादा चारों के चारों, इसलिए उनको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। उनको लगा कि 4 दिन श्रीशांत अगर उनके साथ रह गए हैं, 4 दिन उन्होंने बहुत ज्यादा उनको समझा लिया है, अब वो उनके लिए ही खेलना शुरू कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पासा पड़ गया उल्टा और हैप्पी क्लब हो गया नाराज। तो ये जो वुल्फ वाला जो आप ड्राइंग की बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल ये चीज हो सकती है कि जहां श्रीशांत फैसला नहीं कर पा रहे होंगे, उनको उस ड्राइंग से हेल्प मिली होगी फैसला करने की कि बाहर जो है शायद लोग मुझे वुल्फ में देखना पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बात सही हो, क्योंकि काफी लोग ये बात बोल रहे हैं। तो उस पर MD स्माइल बोलते हैं ज्यादा हंसना हंसने से रोते हैं, हैप्पी क्लब 2-4 दिन से बहुत हंस रहे थे। हाँ, ये MD स्माइल ने बहुत अच्छी बात बोली, ये मुहावरा है कि ज्यादा हंसते हैं तो फिर ज्यादा रोना भी पड़ता है। तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा मेन एपिसोड में भी, और वैसे जो एक्स्ट्रा डोज आते उसमें भी देखा होगा कि वो कितना ज्यादा मजाक उड़ाते थे दूसरों की सिचुएशन को लेके, और कितना ज्यादा मतलब उन्होंने जैसे जसलीन को मतलब उसके पर्सनल अटैक किए, इतना बिफर गए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतना बिफरने की बात नहीं थी। एक ना एक दिन बिग बॉस के घर को सबको छोड़ के जाना है, तो इतना बिफरने की बात नहीं थी कि जसलीन को लेके अनूप जी को लेके इतना ज्यादा मतलब अजीब चीजें बोली कि कोई भी जो बाहर बैठा होगा उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, उनको लगेगा कि पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो शो में किसी के साथ नहीं हुआ है ना। तो वो चीजें जब इन्होंने बोलनी शुरू की तो वो बहुत ही अजीब लगा। तो ये बात मुझे इनकी बिल्कुल अच्छी लगी कि पिछले कुछ हफ्ते से हैप्पी क्लब काफी खुश लग रहा था, और खुश इसलिए क्योंकि वो दूसरों का मजाक उड़ा के खुश हो रहे थे, और अब जब उनके ऊपर बात आ गई है तो अब वो रोने लग गए हैं, अब वो उनका पासा जो है वो उल्टा लग रहा है, अब वो बिफर गए हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं हद से ज्यादा। तो ये चीजें जो है इनके कमेंट से समझ में आ रही है मुझे MD स्माइल के। अब मैं लास्ट कमेंट पढ़ती हूँ दोस्त, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये कमेंट। इनकी एक तो आईडी बड़ी अच्छी है, इनके आईडी है नई राहें नई उम्मीदें। तो ये लिखते हैं, वाओ यानी इस वीक होगा धमाल, सुरभि लेगी काली का अवतार, दीपक होगा अर्जुन और रोमिल बनेगा हैप्पी क्लब का सारथी। आई थिंक ये वीक होगा बहुत मजेदार, आई लव हैप्पी क्लब बट नॉट सोमी, आई विश सोमी निकल जाए। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी दोस्तों इनकी, एक तो उनका वे ऑफ कमेंटिंग, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को मिलाया, काली का रूप बताया इसको सुरभि को, दीपक को अर्जुन बताया और रोमिल को बताया सारथी। तो ये कमेंट काफी अच्छा है और एकदम से फिट बैठता है हैप्पी क्लब के ऊपर, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर, कि कैसे रोमिल अपने मास्टरमाइंड से हैप्पी क्लब को आगे आगे लेके जा रहा है सारथी बनके, और कैसे दीपक अर्जुन की तरह निशाना साधता है और अटैक करता है, और कैसे काली की तरह भवाल मचाती है सुरभि पूरे के पूरे घर में। तो ये कमेंट इनका बहुत अच्छा, और उन्होंने पूरे हैप्पी क्लब को प्रेज किया, मगर फिर भी उसमें उनको जो नहीं अच्छा लगा वो उन्होंने सोमी के बारे में बोला कि सोमी उनको नहीं अच्छी लग रही, अगर वो बाहर चली जाए तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो नई राहें नई उम्मीदें, हम आपसे और नए नए कमेंट्स की बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, ताकि आप हमारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पे कमेंट करें और हमें अच्छी अच्छी राय भी दें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार फिर से नए कमेंट्स के साथ आएंगे, आपके कमेंट्स हम इसमें शामिल करते रहेंगे, आप कमेंट्स करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।